नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में केवल 2 जिलों में मिले कोरोना संक्रमित। थानेदार ने आय से 1.5 गुनी बनाई संपत्ति। चुनाव आयोग ने मानी राजद की मांग। आज अपने भरोसेमंद गेंदबाजों के साथ विराट उतरेंगे मैदान में। बिहार में इस साल आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई सबसे ज्यादा कार्रवाई। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार ने खोया एक और हीरा। 22 नवंबर को आने वाला था घर। देश की रक्षा में बिहार के कई नौजवान कार्यरत हैं। ऐसे में कई बार कई अप्रिय खबरें भी सामने आई है। इसी कड़ी में बीते दिन कश्मीर के रजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास दोपहर एक लैंडमाइन के फट जाने से सेना के अधिकारी और बेगूसराय के लाल ऋषि रंजन ने आखिरी सांस ली। उस दौरान ऋषि जवान के साथ रजौरी जिले के नवेशरा में कलाल एरिया पर गश्त कर रहे थे। इसके साथ ही इस गश्त के दौरान नियंत्रण रेखा के पास यह हादसा हो गया, जिसकी चपेट में वो आ गए। इतना ही नहीं, इस घटना में एक लेफ्टिनेंट और 4 जवान भी गंभीर रूप से उन्हें चोट आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ऋषि रंजन 22 नवंबर को बेगूसराय आने वाले थे, जिसके बाद उनके परिवार वालों का बुरा हाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के सत्यम मिश्रा को किया सम्मानित। ग्लोबल टीचर प्राइस के लिए चयनित भिखनपुर निवासी सत्यम मिश्रा को बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन सम्मानित किया है। इसको लेकर सत्यम मिश्रा बिहार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पटना गए थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए मैथमेटिक्स ऑफ पीस के बारे में समझाया और कहा कि इस फॉर्मूले का दूरगामी प्रभाव होता है। इसके कारण वो अपने छात्रों को भी इस बारे में बताते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में कई मुद्दों पर विस्तार से भी चर्चा हुई। इस दौरान सत्यम ने बताया कि उन्होंने काफी पहले से सीएम के संघर्ष के बारे में पढ़ा है, उनके द्वारा सम्मान पाकर अभिभूत हो, जिसके बाद सीएम ने सत्यम को अपने कार्यों से बिहार की प्रतिभाओं को जोड़ने का सुझाव भी दिया, साथ ही उनके बेहतर भविष्य की कामना की है। बिहार की 103 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी बंद। बिहार में चल रही कंपनियों के खिलाफ भारत सरकार के केंद्रीय कंपनी के मामले के मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत बिहार से संबंधित करीब 103 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को अलग अलग कारणों से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जानकारों की माने तो इन कंपनियों को बंद करने के पीछे कई तरह की वजह है, जिसके तहत कुछ कंपनी दूसरी कंपनी की आड़ में चलाई जा रही थी तो कुछ कंपनी का काम कोविड-19 के कारण ठप हो गया था। कोविड-19 के माहौल में बड़ी कंपनी द्वारा लगाई गई इकाई में उत्पादन शुरू नहीं हो पाया था। इस आदेश के बाद अब ये कंपनियां अपना संचालन नहीं कर पाएंगी। ये कंपनी अपने नाम पर किसी तरह का पत्राचार भी नहीं कर पाएगी। साथ ही नियमों के तहत इन कंपनियों को अपने सेट बकायेदारों से लेकर शेयर होल्डर्स को वापस करना होगा। बिहार में कल से शुरू होगी धान की खरीद। लंबे इंतजार के बाद बिहार में धान खरीद कल से शुरू होने वाली है, जिसके तहत प्रदेश में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पिछले साल 35.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इसको लेकर सहकारिता मंत्री ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत कल से केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 17% नमी तक की धान खरीद सबसे पहले उन जिलों में शुरू होगी जहां पहले धान कटाई शुरू हुई है। इसको लेकर राज्य सरकार ने धान खरीद का कार्यक्रम 3 चरणों में तय किया है। पहले चरण में 1 नवंबर से उन जिलों में धान खरीद शुरू होगी, बाकी सभी जिलों में 15 नवंबर तक धान खरीद शुरू हो जाएगी। वही धान खरीद की अंतिम मियाद 31 जनवरी 2021 तय कर दी गई है। IIT पटना के वरुण ने बनाया डिसइंफेक्टर मशीन। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ऐसे में बिहार के कई छात्र ने अपने नाम कई कारनामे दर्ज किए हैं। इसी कड़ी में पटना IIT के छात्र वरुण कुमार शाही ने फुल बॉडी डिसइंफेक्टेंट मशीन तैयार कर दी है। यह मशीन पटना IIT के इंक्यूबेशन सेंटर के द्वारा विकसित हो गई है। यह मशीन हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करता है और उसे नष्ट कर देता है। इस मशीन में इंसान के शरीर को डिसइंफेक्ट करने के लिए WHO द्वारा प्रमाणित केमिकल के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में कोविड से संभावित इस लहर को देखते हुए यह मशीन काफी उपयोग में नजर आ रही है। NH84 से जुड़ेगा जुनेश्वर मिश्र पुल। UP के 82 में बक्सर को बलिया से जोड़ने वाले जुनेश्वर मिश्र पुल का संपर्क पथ राष्ट्रीय राजमार्ग 84 से जुड़ने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि NH84 पर बक्सर पटना 4 लेन मार्ग बन रहा है और कुंवर सिंह पुल के रास्ते ये लखनऊ गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। ऐसे में 82 पुल का संपर्क इस पथ से जुड़ने से जिले के दियारा इलाके बलिया से सीधे ये जुड़ जाएगा और छपरा और उत्तर बिहार जाना भी आसान हो जाएगा। इसको लेकर हाल ही में सांसद वीरेंद्र सिंह ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था, जिस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया था। ये जानकारी परिवहन मंत्री ने खुद पत्र जारी करके दी है। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार सिंह ने भी इस संबंध में एक रूपरेखा से बलिया के सांसद को अवगत करा दिया था। बिहार में केवल 2 जिलों में मिले कोरोना संक्रमित।
विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 47 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 1, पटना में 4 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 225,464 सैंपल की जांच की गई, वहीं 2 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। उत्तर बिहार में दिखने लगा मौसम में बदलाव। उत्तर बिहार के जिलों में मौसम बदला नजर आने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा, वहीं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट की वजह से रात और सुबह में हल्की ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। 3 नवंबर तक के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान के सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नीचे रहने के कारण सुबह और रात में हल्की ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। थानेदार ने आय से 1.5 गुनी बनाई संपत्ति। बिहार में इन दिनों आय से अधिक संपत्ति के कारण कई लोगों पर अब तक आयकर विभाग नकेल कस चुकी है। इसी कड़ी में बीते दिन थानेदार के पास आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी निकल कर केस सामने आई, जिसके बाद पटना के जक्कनपुरा के थानेदार कमलेश शर्मा के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके मुताबिक कमलेश शर्मा ने आय से 1.5 गुने से ज्यादा संपत्ति बना रखी है। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से छपे जक्कनपुरा थाना स्थित आवास और कार्यालय, इसके साथ ही श्रेय अपार्टमेंट स्थित फ्लैट और सारण जिले के मकेर गांव स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी की गई, जिसमें कमलेश शर्मा की 2,03,25,000 की चल अचल संपत्ति का पता चला है। वहीं शर्मा की आय केवल 1,88,41,215 रुपए है। इसके साथ ही खोले गए 11 बैंकों में जमा 92,80,000 रुपए को भी अगर जोड़ लिया जाए तो शर्मा ने कुल कमाई की 1.5 गुने से ज्यादा संपत्ति बनाई है। लालू के बेटे तेज प्रताप बेचेंगे ग्रोसरी प्रोडक्ट। भले ही राजनीति में तेज प्रताप यादव की नैया पार नहीं लग रही हो, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी अलग जमीन तलाशने में लगातार जुटे रहते हैं। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब नई कंपनी के साथ सामने आए हैं। पहले से वो LR अगरबत्ती बनवा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अब नई कंपनी के बारे में ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी है। ये कंपनी LR राइस एंड मल्टीग्रेन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी जानकारी देते हुए तेज प्रताप ने लिखा कि अपना उपजाओ, अपना खाओ, अपना कमाओ, जय बिहार। दिवाली के पहले चावल, आटा, सत्तू, मैदा और बेसन 5 प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे। दिवाली के बाद ग्रोसरी के अन्य प्रोडक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। इसका शोरूम अनीसाबाद के तेज प्रताप नगर में बनाया गया है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने अपनी नई कंपनी के बारे में ट्वीट करते हुए फोन नंबर भी जारी कर दिया है। बिहार में इस साल आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई सबसे ज्यादा कार्रवाई। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों पर नकेल कसने की तैयारी जोर शोर से देखने को मिली है। यही कारण है कि इस साल अब तक 16 अधिकारियों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें IPS बिहार प्रशासनिक सेवा, DSP इंजीनियर समेत अन्य स्तर के पदाधिकारियों के नाम शामिल है। निगरानी ब्यूरो ने अब तक 9 पदाधिकारियों पर DA केस में छापेमारी की है। वहीं EOU ने यानी कि आर्थिक अपराध इकाई में काला धन जमा करने वाले 7 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। ये सभी अधिकारी बालू के अवैध खनन से काली कमाई करने के खेल में शामिल है। इसके अलावा निगरानी और आय की रडार पर लगभग 1 दर्जन अधिकारी हैं, जिन पर आने वाले कुछ महीने में DA केस दर्ज करवा सकती है और कार्रवाई कर सकती है। जानकारों की माने तो इस साल की समाप्ति तक 9 के इस आंकड़े में 3 या 4 अंक की बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। 5 नवंबर को बिहार के 17 मंदिरों में होंगे कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ में है, जहां से वो भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर से जुड़ेंगे। इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। इस दिन भाजपा साधु संतों को सम्मानित भी करने जा रही है। इसके साथ ही 5 नवंबर की तारीख बिहार के लिए और भी खास होने वाली है, क्योंकि इस दौरान PM नरेंद्र मोदी बिहार के कुल 17 मंदिरों से जुड़ेंगे। इन मंदिरों में भागलपुर का प्रसिद्ध बूढ़ानाथ महादेव मंदिर भी है। इसके अलावा अररिया के कुर्सा कांटा का बाबा, सुंदरनाथ धाम शिव मंदिर, मिठेश्वरनाथ शिव मंदिर, दरभंगा मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर, अशोक धाम मंदिर लखीसराय, कपिलेश्वरनाथ महादेव मंदिर मधुबनी, रामेश्वरनाथ मड़कर मधुबनी, पारसमनीनाथ मंदिर मधुबनी, उगना महादेव मंदिर मधुबनी, बाबा गरीब स्थान मंदिर मुजफ्फरपुर, नायर मंदिर पटना, खुदनेश्वर स्थान मोरवा समस्तीपुर, चहुमुखी महादेव मंदिर वैशाली, लालकेश्वर शिव मंदिर वैशाली, पातालेश्वर मंदिर वैशाली इसमें शामिल है। चुनाव आयोग ने मानी राजद की मांग। बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 2 नवंबर को होने वाली है, जिसके बाद दोनों सीटों पर विजेता के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि चुनावी परिणाम को लेकर शुरू से ही राजद कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है। इस कारण से ही राजद की तरफ से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कराने की मांग की गई थी, जिसके बाद बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना पर
राजद की मांग का असर होता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने 2 नवंबर को दोनों सीटों की मतगणना में सुबह 8 बजे से बैलेट पोस्टल वोटों की गिनती कराने की बात कही है। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती अलग कमरे में होगी। गौरतलब है कि राजद ने ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती एक ही कमरे में कराने की मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों की गिनती अलग अलग कमरों में करने की बात कही है। लालू यादव से भाजपा नेताओं की मुलाकात से भड़की कांग्रेस, कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। वहीं खेल में जब एंट्री लालू प्रसाद यादव जैसे शख्स की हो जाए तो बिहार की राजनीति की आबोहवा बदलना लाजमी है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव से मिलने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा और नंद किशोर यादव पहुंचे थे। हालांकि इनकी मुलाकात क्यों हुई इस बात की तो कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस जरूर इस बात से आहत हुई है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा है कि पहले के आरोपों को सही ये हमारे साबित कर रहा है कि दोनों पार्टियां यानी कि भाजपा राजद उसमें कोई गुप्त समझौता हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बैठक की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा है असली खेल आज अपने भरोसेमंद गेंदबाजों के साथ विराट उतरेंगे मैदान में। T20 वर्ल्ड कप 2021 में आज इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के आगे का सफर तय हो जाएगा। विराट कोहली की सेना न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास को बदलने के इरादे से उतरने वाली है, जिसके तहत अगर भारतीय टीम को अंतिम 4 में जगह बनानी है तो इस रिकॉर्ड को धराशाही करना होगा। हालांकि जानकारों की माने तो पाकिस्तान से मिली 10 विकेट की करारी हार के बाद प्लेइंग 11 में विराट 2 बदलाव कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर की टीम में एंट्री हो सकती है। वो इनफॉर्म गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को मैदान में उतार सकते हैं, जिससे टीम इंडिया बैटिंग भी मजबूत होगी और इसके साथ ही वरुण चक्रवर्ती की जगह रविचंद्रन अश्विन को तरजीह देने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में किस पार्टी के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।